आप देख रहे हैं लाइव आज। हर बिजनौर के थाना नगीना देहात पुलिस टीम को मिली बड़ी कामयाबी। जंगल से बेशकीमती लकड़ी काटकर चोरी कर बेचने वाले पांच शातिर लकड़ी माफियाओं को पुलिस ने लकड़ी व महिंद्रा पिकअप व अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया। हम आपको बताते चले कि जिला बिजनौर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाकर लकड़ी माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना नगीना देहात पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर थाना नगीना देहात पुलिस टीम ने राहुल, पवन कुमार, दीपक उर्फ कल्लू, शिव कुमार और आदिल को अब्राबाद रोड से मिर्जापुर की तरफ जाने वाले तिराहे पर चोरी से काटी गई 9 बोटे शीशम की लकड़ी, 2 अवैध तमंचे व कारतूस, 3 नाजायज चाकू, 4 लकड़ी काटने के आरे और कुल्हाड़ी तथा 1 गाड़ी महिंद्रा पिकअप मैक्स बिना कागजात सहित गिरफ्तार किया गया है। एसपी सिटी प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि 5 लकड़ी माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है। 3 अभियुक्त थाना मंडावली क्षेत्र के रहने वाले हैं और 2 अभियुक्त थाना नजीबाबाद क्षेत्र के रहने वाले हैं। यह लोग चोरी छिपे लकड़ी काटकर लकड़ी को रियासत निवासी मुजफ्फरनगर को महंगे दामों पर बेच देते हैं। इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और अन्य विधि कार्रवाई कराई जा रही है। ऑल न्यूज चैनल में जनपद बिजनौर से डॉक्टर खिजर जावेद खान की खास रिपोर्ट। आज उस लकड़ी चोर का खुलासा किया गया है, क्या है? विगत कुछ दिनों से नगीना देहात छन्ना थाना क्षेत्र में लकड़ी काट के चोरी करने की शिकायत मिल रही थी। इस शिकायत पर थाना प्रभारी संजय कुमार के नेतृत्व में थाना नगीना देहात पुलिस लगातार लगी थी। बीती रात लगभग 9:15 बजे इनको सूचना मिली। एक मैक्स गाड़ी इन्होंने यूके नंबर की पकड़ी, जिसमें 5 व्यक्ति मिले जिनका नाम राहुल, पवन, दीपक, शिव कुमार और आदिल है। गाड़ी में ही 4 कुल्हाड़े मिले, लकड़ी काटने के तमाम यंत्र मिले। इनसे पूछताछ करने पर यह पता चला कि लकड़ी चोरी से काट के लोग मुजफ्फरनगर ले जाके वहां पे इसको बेचते थे ऊंचे दामों पर। इनकी गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से 2 थाना नजीबाबाद क्षेत्र के रहने वाले हैं, 3 लोग थाना मंडावली क्षेत्र के रहने वाले हैं। सुसंगत धाराओं में अभियोग इनके विरुद्ध पंजीकृत है। माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके इनको जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।